नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड हार्ट डे है। हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि हमारा और आपका दिल सेहतमंद रहे, ताकि आप सेहतमंद रहें। आज के इस खास मौके पर हम बात करेंगे हृदय से जुड़ी समस्याओं और उनके इलाज के बारे में, और जानेंगे कि कैसे करें अपने दिल की हिफाजत। इस विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर माधुरी नागौरी जुड़ चुकी हैं। माधुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ पर। धन्यवाद अवंतिका जी। चलिए तो माधुरी जी, सबसे पहले मैं इस दिन के महत्व को आपसे समझना चाहूंगी। वर्ल्ड हार्ट डे आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है? 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, जैसा कि आपने कहा। ये वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन एक संस्था है अमेरिका में, उन्होंने ये दिन चुना था इस दिन को बनाने के लिए। और ये दिन हमको बताता है कि हम अवेयर रहें अपने सेहत, हार्ट की सेहत का, दूसरों की और दूसरों की सेहत और उनके हार्ट की सेहत का। तो ये बेसिकली दिन हमको ये इसलिए बनाया जाता है ताकि हम अपने और दूसरों की हृदय के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। बिल्कुल माधुरी जी, और शरीर में हृदय का एक बड़ा योगदान रहता है, काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। इसके बारे में हम आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे। हार्ट मेरे ख्याल से शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, क्योंकि यही एक ऐसा अंग है जो दूसरे अंगों को पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये ऐसा ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है शरीर की तरफ, तो उस ब्लड में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन होते हैं जो शरीर की सभी कोशिकाओं को जीवित रखते हैं। इसीलिए हृदय सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है शरीर का। बिल्कुल, और वर्ल्ड हार्ट डे पूरे विश्व में ही मनाया जाता है। इस मौके पर आपसे भारत की स्थिति समझना चाहूंगी। भारत किस पोजीशन पर लाए करता है अगर हृदय रोगों की बात की जाए? हृदय रोग भारत में काफ़ी बढ़ रहे हैं और उनके जो स्पीड है बढ़ने की वो काफ़ी तेज़ है, क्योंकि हमारे देश में शुगर के मरीज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और ये हमारी जीवन शैली का कुछ हद तक योगदान है उस चीज़ के लिए, क्योंकि हमने वेस्टर्न लाइफस्टाइल अपना ली है, जैसे कि अधिकतर समय हम शारीरिक व्यायाम या शारीरिक कोई भी क्रिया नहीं कर रहे होते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं कि एक ही जगह बैठकर काम करना और एक्सरसाइज ना करना, और उनके जैसे पहले हमारे देश में उस तरह का खाना नहीं खाया जाता था जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता था, पर अब उस तरह का खाना भी हम खाते हैं और एक्सरसाइज हमारे देश में काफ़ी कम हो गई है। इसीलिए अनुवांशिक तरीके से भी शुगर के मरीज़ बढ़ गए हैं, स्ट्रेस भी बहुत बढ़ गया है, हर चीज़ में स्ट्रेस है लोगों को, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से। तो ये सभी हमको अधिक लोगों को शुगर के मरीज़ बना देती है, और शुगर के मरीज़ वैसे भी बहुत हाई रिस्क हो जाते हैं हार्ट की प्रॉब्लम के लिए। तो दोनों शुगर और बिना शुगर के मरीज़ दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में, और इसीलिए हृदय रोगी भी काफ़ी जो विश्व के तुलना करें तो हमारे देश में हृदय रोगियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। बिल्कुल, काफ़ी चिंताजनक बात है, भारत की पोजीशन हृदय रोगों में बढ़ गई है। आप मैम बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में काम करती हैं, आपसे समझना चाहेंगे आप अपने डेली रूटीन में किस तरह के हृदय रोगियों से आम तौर पर रूबरू होती हैं? हरी तरह के हृदय के मरीज यहाँ आते हैं। ये मोटे तौर पर मैं आपको बताऊँगी कि हृदय एक तरह की मांसपेशी है जिसमें कि चार खाने हैं। उन चार खानों को जो अलग अलग करता है उस दरवाजे को हम लोग वैल्व बोलते हैं। तो हृदय की बीमारियां इन सभी चीज़ों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि मांसपेशी है तो उसकी खुद की अपनी रक्त की जो सप्लाई है वो होती है, तो उन नसों में, उन आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज आ जाए तो जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं वो हो जाता है। तो पहले तो हार्ट अटैक से संबंधित बीमारियाँ जो नसों में ब्लॉकेज, हार्ट की अपनी खुद की नसें होती हैं उनमें ब्लॉकेज है, उससे होता है। दूसरे तरह की बीमारियां टाइप होती हैं जैसे कि धड़कन की बीमारी, कि हार्ट अपना एक अनोखा ऑर्गन है शरीर का जो अपनी खुद की धड़कन बनाता है और खुद संकुचित और फैलाव तारे का मूवमेंट करता है, जिससे कि
एक पंपिंग एक्शन होता है और शरीर पे की तरफ रक्त प्रवाह होता है। तो इस पंपिंग एक्शन के लिए एक तरह की धड़कन हमारी तरफ हार्ट से ही निकलती है और पूरी तरह फैलती है। तो वो धड़कन के निकलने की जगह या फैलाव की जगह में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम धड़कन की बीमारी कहते हैं। तो धड़कन या तो बहुत कम हो जाती है या बहुत तेज़ हो जाती है। तो ये दूसरे तरह के मरीज़ हुए। तीसरे तरह के मरीज़ हम देखते हैं जो कि हार्ट के वैल्व, जो मैंने आपको बताया कि चार खानों के बीच में एक दरवाजे होते हैं, उनकी या तो सिकुड़न, दरवाज़ा पूरा नहीं खुलता वैल्व का सिकुड़न, या फिर वैल्व लीक करने लग जाता है, पूरी तरह बंद नहीं होता, तो उस तरह की बीमारी है। चौथे तरह की बीमारी है कि हार्ट के अगल बगल जो झिल्ली होती है जो प्रोटेक्ट करती है हार्ट को, तो वो उसमें अगर अकड़न आ जाए या पानी ज़्यादा जमा हो जाए तो उसको पेरिकार्डियल डिजीजेज हम कहते हैं। वो भी मरीज़ काफ़ी संख्या में आते हैं। और पांचवी तरह के आपने मांसपेशी की अपने आप की खुद की बीमारी, मतलब हार्ट की मांसपेशी अपने आप में वीक हो जाती है और वो खुद अच्छे तरह से जो इतना खून उसको आगे की तरफ फेंकना चाहिए शरीर की तरफ वो नहीं फेंक पाता, हार्ट कमज़ोर हो जाता है। तो इसके वो मांसपेशी की, तो क्योंकि ये बड़ा संस्थान है, टर्शरी केयर सेंटर है, तो हम सारे तरह के सारे प्रकार के मरीज़ यहाँ देख पाते हैं, इंक्लूडिंग जन्मजात जो बीमारी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। तो ये सभी प्रॉब्लम हार्ट जन्मजात भी हो सकती है बच्चे में, तो छोटे बच्चे को भी, तो हम ये सारी हार्ट की जो समस्याएं हैं उनका उपचार करते हैं। बिल्कुल, ये तमाम तरह की बीमारियां हैं हार्ट से जुड़ी हुई जिनका डॉक्टर माधुरी रोज़ के रोज़ समाधान करती हैं, उनसे रूबरू होती हैं। मुख्य तौर पर अगर मैम कारणों की बात की जाए तो कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे हृदय रोग को मुख्य तौर पर होता है, उसे कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है? जी, कारण मतलब इनको हम रिस्क फैक्टर्स कह सकते हैं कि वो इन कारणों के होने से हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। पर हम 100% कोरिलेशन नहीं कर सकते कि ये होने से हार्ट की प्रॉब्लम हो ही जाएगी। तो इनको रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। और ये रिस्क फैक्टर्स हैं ब्लड प्रेशर्स हैं, ब्लड प्रेशर अधिकतर समय बढ़ा रहना, या शुगर होना, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होना, या पेशेंट कोई किसी भी एडिक्शन करता है जैसे कि धूम्रपान है, बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पीना, और वजन ज़्यादा होना। तो ये सब रिस्क फैक्टर्स हम लोग कहते हैं जोखिम कारक, जैसे मैं हिंदी में बोलूँगी कि जोखिम कारकों का होने से हृदय रोगों की संभावना बहुत होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। पर ये 1-to-1 कोरिलेशन है, कई बार कुछ भी नहीं होना तो भी मरीज को हृदय की प्रॉब्लम हो सकती है। उनमें एक जन्मजात प्रॉब्लम आती है, या इंडियन होना भी एक तरह से, जैसे मैंने बताया कि इंडियंस बहुत हाई रिस्क पे हो गए, तो ही भारतीय होना भी एक तरह का रिस्क फैक्टर होता है, और आदमी होना मतलब मेल होना इस एक तरह का रिस्क फैक्टर है, उम्र 50 साल से ऊपर होना इज अ जोखिम कारक हार्ट के प्रॉब्लम होने के। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम ये देख सकते हैं कि ये व्यक्ति को हृदय की बीमारी होने की संभावना अधिक है। बिल्कुल, ये तमाम वही कारण हैं जो आगे जाकर हार्ट प्रॉब्लम्स में इवॉल्व होकर काफ़ी नुकसान शरीर को पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर माधुरी, अगर मेडिटेशन और व्यायाम की बात की जाए तो आमतौर पर डॉक्टर्स बोलते हैं कि जो हृदय रोग से पीड़ित हैं उनको व्यायाम करना चाहिए, आप क्या मानती हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। व्यायाम बहुत तरीके से हमारे शरीर को मदद करता है, अच्छी चीज़ है एक्चुअली शरीर के लिए व्यायाम। हार्ट जो है वो मसल एक है, तो वो मांसपेशी है और वो आगे रक्त को आगे बढ़ाता है शरीर की तरफ। तो जो हमारी जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जो हम पैरों और हाथों की जो मांसपेशी है वो भी काम शुरू करती हैं और वो संकुचित होती हैं, तो उनसे उनके अंदर जो नसें रहती हैं उनमें जो ब्लड रहता है वो हार्ट की तरफ जाता है। तो मतलब हार्ट को बहुत अधिक ब्लड वापस मिलता है, जब वो देता है तो वो और अधिक दे पाएगा। तो मतलब ये एक तरह का एक्सरसाइज हेल्प करता है हार्ट को अधिक अच्छे से फंक्शन करने के लिए। दूसरा फ़ायदा है एक्सरसाइज करने का कि वजन संतुलित रहता है, वजन कंट्रोल रहता है। तीसरा फ़ायदा है कि आदमी को डिप्रेशन नहीं होता। चौथा फ़ायदा है कि पेट से संबंधित समस्याएँ कम होती हैं जिन लोग जो एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज ना केवल हृदय को पर अधिक बाकी शरीर के काफ़ी अंगों को फ़ायदा पहुंचाती है। बिल्कुल, और ऐसे में डॉक्टर माधुरी, आपने हाल ही में डायबिटिक पेशेंट्स और ब्लड प्रेशर से रोगी पेशेंट्स का जिक्र किया है, इस बारे में भी मैं समझना चाहूँगी कितने हाई रिस्क पर रहते हैं ऐसे पेशेंट्स?
बहुत हाई, मतलब ट्रिपल हो जाता है हार्ट संबंधी समस्या होना अगर पेशेंट को शुगर है, डायबिटीज़ है, और वैसे ही ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होना एक बहुत ही सीरियस रिस्क फैक्टर्स है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने के लिए। तो इसलिए ये दोनों मेन समस्याएं हैं जो आगे जाके हृदय रोगों को आमंत्रित कर सकती हैं, वैसे ही हाई कोलेस्ट्रॉल होना और बाकी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताया। मैम, हार्ट अटैक्स और कार्डियक अरेस्ट आज के दौर में काफ़ी आम बात हो गई है, काफ़ी आम तौर पर सुनने को मिल जाता है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी जान चली गई। ऐसे में भारत कार्डियक अरेस्ट के मामले में कितनी रिस्क पर है और क्या कुछ इसके निराकरण के लिए किया जा सकता है? ये आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मैं ये, क्योंकि आज हम CPR अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं अपने हॉस्पिटल में, बंसल हॉस्पिटल में, जो पब्लिक को CPR के लिए अवेयर करने के लिए किया गया है। तो ये कार्डियक अरेस्ट जिन पेशेंट्स को हुआ है उनके उपचार की एक प्रक्रिया है। अधिकतर लोग कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक को सेम मानते हैं, जबकि ये सेम नहीं है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट का बंद हो जाना। अब ये कारण कुछ भी हो सकता है उसके बंद होने का, उन कारणों में से एक कारण हार्ट अटैक है। मतलब हार्ट अटैक के अलावा भी कुछ कारण होते हैं जिनसे कि कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। पहला तो ये रहा। कार्डियक अरेस्ट को रिवाइव करने के लिए हमारे देश में बहुत कम लोग जानकार हैं इस चीज़ के लिए कि CPR कैसे किया जाता है। मेरे अनुमान से शायद सिर्फ 2% ही लोग हैं जो CPR करना चाहते हैं। CPR एक आपातकालीन प्रक्रिया है जिसमें कि हम छाती को दबाव देते हैं और कृत्रिम सांस का उपयोग करते हैं ताकि कार्डियक अरेस्ट हुआ है उस मरीज को हम कुछ उसको रिवाइव करने की कोशिश करें। तो और हमें ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि अगर हम ये करें, CPR सक्सेसफुली करें, तो मरीज को बचने की संभावना दुगनी हो जाती है। मतलब अगर कुछ मिनटों में, पहले कुछ मिनटों में कार्डियक अरेस्ट हुआ है, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली आपने देखा हो, भी हाल ही में प्रसिद्ध एक्टर हैं, वो बहुत यंग फिट एक्टर हैं, जो कार्डियक अरेस्ट जिनको हुआ था वो हमारे बीच नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में जहाँ यंग लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, ये हमारे समाज के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम सभी ये जानें कि अगर हम पब्लिक में भी, जहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, हम कुछ कर सकें किसी व्यक्ति की जीवन बचाने के लिए, सिर्फ सिंपल प्रक्रिया सीखना, जैसे CPR कार्डियोपल्मोनरी रिसुसिटेशन सीखने के लिए तो सीखें अगर, तो हम किसी की जीवन बचा सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा हमारे समाज के लिए। अगर मैम आपने युवाओं में जिक्र किया कि कार्डियक अरेस्ट की रिस्क जो है वो बढ़ती जा रही है, युवाओं और महिलाओं की अगर बात की जाए तो क्या रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा है कि हमेशा मेल पेशेंट्स जो मेल होते हैं उनमें हार्ट अटैक के चांसेस, हमेशा हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांस ज़्यादा होते हैं, पर महिलाओं में होते हैं, पर जब होता है कम होता है, पर जब होता है हृदय का रोग तब वो बहुत सीवियर होता है। क्योंकि एक तो पहली स्थिति में कि महिलाएं बहुत जल्दी अवस्था में आगे नहीं आती, उनकी जो समस्या है वो दबाती हैं, फैमिली भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती। बिल्कुल, थोड़ा मोड़ा दर्द अगर होगा, होता भी है, तो वो उसको छुपा जाती हैं। तो जब वो ऐसी स्थिति में पहुंचती हैं हमारे पास कि जब उनको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, तो वो काफ़ी सीरियस अवस्था में आती हैं। तो महिलाओं में होता तो कम है, पर जब होता है तो काफ़ी अधिक सीरियस हो जाता है। और दूसरा, यंग लोगों में आजकल देखा है कि सबसे जो मुझे एक मेंटल स्ट्रेस लगता है कि एक्सेसिव मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस अगर कोई करे, कि बहुत तनाव में रहते हैं युवा किसी भी चीज़ को लेकर, लाइफस्टाइल ही हमारी शायद ऐसी हो गई है। बिल्कुल, तो जॉब प्रेशर है, वर्किंग प्रेशर है, तो वो सब इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मानसिक दबाव एक बहुत बड़ा कारण हो गया है युवाओं में। और एडिक्शंस दूसरा कारण मैं बोलूँगी कि एडिक्शंस जैसे कि धूम्रपान करना और खूब सारे के और भी तरह के एडिक्शंस हैं, तो वो उसके आदि हो जाते हैं कम उम्र में ही, जो बढ़ता जा रहा है हमारे देश में, आसानी से मिल जाता है और एक्सपोजर भी बहुत हो गया इन चीज़ों के लिए। मीडिया है, TV है, तो ये पहले जो चीज़ें जानकारी नहीं होती थी तो लोग आसानी से मिल जाता है उनको ये सब, तो एडिक्शन है। और काफ़ी लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब एक्सरसाइज नहीं करना, या करेंगे तो बहुत ओवर एक्सरसाइज होती है कई बार, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है।
तो ये कुछ कारण हैं कि युवाओं में भी कार्डियक अरेस्ट कॉमन हो गया है। बिल्कुल, और इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर करना सबसे ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि कई ऐसे तबके हैं जहाँ तक ये बातें पहुँच नहीं पाती हैं। बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर माधुरी, ये भी आपसे समझना चाहूँगी, आमतौर पर कहा जाता है कि अगर हार्ट पेशेंट लाइट म्यूजिक सुने तो उसकी सेहत में बेहतर हो सकती है उनकी सेहत, कहाँ तक सच है ये बात? लाइट म्यूजिक से मतलब कि जो कर्कश ना हो और ब्रेन और हार्ट को सूदिंग लगे, तो मैं ये इसमें कहूँगी कि ये कुछ हद तक पर्सनल चॉइस भी है, ये 100% रामबाण इलाज नहीं है, पर अगर व्यक्ति को अच्छा लगता है, खुश होता है, वो दिल खुश होता है उसका एक लाइट म्यूजिक सुन के, तो ये बहुत अच्छी बात है, हृदय के लिए बहुत हेल्दी रहेगा। और हम वैसे भी देखते हैं कि जब हम कोई भी बहुत हार्श म्यूज़िक सुनते हैं तो हम अंदर से थोड़ी विचलित हो जाते हैं, भले ही हम इंजॉय कर रहे हैं पर वो जो मेंटल जो लेवल है वो है स्ट्रेस का, वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। तो ये आपकी बात कुछ हद तक सच है और सही है लगती है कि लाइट म्यूज़िक हार्ट के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल मैम, अगर आहार की बात की जाए तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल ह्यूमन बॉडी में प्ले करता है, ये भी समझना चाहूँगी कि एक हार्ट पेशेंट को किस तरह की डाइट लेने का आप सजेस्ट करती हैं? हृदय रोगी या कोई भी हो, एक बैलेंस्ड जो डाइट हम बोलते हैं, तो स्पेशली हृदय रोगियों के लिए वसा युक्त भोजन को बिल्कुल मनाही होनी चाहिए। वसायुक्त मीन्स फैट फ्री, तो फैट फ्री भोजन लेना चाहिए उनको, फैट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए और नमक और शक्कर की मात्रा कम से कम होनी चाहिए अपने भोजन में। और तीसरा जो है कि वो हम हाई प्रोटीन डाइट और होल ग्रेन्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और लेग्यूम्स जिसको बोलते हैं अंकुरित आहार, तो ये सब लेंगे, और नॉन वेजिटेरियन जहाँ हो जहाँ तक हो उसको अवॉइड करें तो बेहतर होगा हृदय के लिए। बिल्कुल, और डॉक्टर माधुरी, दिल से जुड़ी कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो पहले से बहुत ज़्यादा डराती हैं, अगर दिल से जुड़ी कोई बीमारी हो जाती है तो पेशेंट वैसे ही घबरा जाता है, लेकिन अब एडवांस तकनीक से दिल को सेफ रखना और क्यूरेबल इलाज काफ़ी ज़्यादा हद तक संभव है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा, सबसे ज़्यादा तो रोगी इस चीज़ से डरते हैं कि ओपन हार्ट सर्जरी ना हो, मतलब कोई भी बड़ी सर्जरी से डरते हैं, और ये वाकई सही चीज़ है, क्योंकि हृदय के छाती को काटना और उसके ऊपर सर्जरी करना एक डरावना लगता है सुनने में भी। बिल्कुल, पर अब आपको ये मैं बताऊं कि कुछ एक प्रक्रिया और कुछ एक तकनीकें ऐसी आ गई हैं जो मरीज़ों के बहुत चीज़ें हित में है, जैसे कि हम बिना काटा पीटे काफ़ी सर्जरी करने लगे हैं, जैसे एओर्टिक वैल्व रिप्लेसमेंट, आपने मैंने जैसे बोला कि वैल्व हार्ट का दरवाजे होते हैं, उनको अगर सिकुड़न आ जाए, वो लीक करने तो उन्हें बदलना पड़ता है, तो पुराने ज़माने में तो ये एक तकनीक होती थी कि हृदय को काट, मतलब चीरा लगा के ही वो सर्जरी जो ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं वो किया जाता था, पर आजकल चलते ज़माने में कुछ तकनीकें ऐसी हैं जहाँ तार द्वारा ही उस वैल्व को अंदर तक पहुँचा दिया जाता है और उस जगह लगा दिया जाता है, पुराने वैल्व के ऊपर नया वैल्व चढ़ा दिया जाता है, तो इसको टावी बोलते हैं, ट्रांसएओर्टिक वैल्व इम्प्लांटेशन, और माइट्रल वैल्व भी, दूसरे तरह के वैल्व भी, ट्रांसपरक्यूटेनियस प्रोसीजर के, मतलब कि बिना जीरा फाड़ी तार द्वारा ही पहुंचा दिए जाते हैं, तो उनसे काफ़ी इलाज संभव है। दूसरे तरह का इलाज जो संभव है वो जैसे कि अपन ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं जो हम बाईपास कहते हैं, तो आजकल स्टेंट्स वगैरह इतने अच्छे आ गए हैं, तो अगर पहले ऐसे बोलते थे कि तीनों नसों में ब्लॉकेज है तो आदमी को बाईपास के लिए जाना होगा, बिल्कुल, पर आजकल वो एंजियोप्लास्टी, क्योंकि स्टेंट अच्छे आ गए, उनकी लाइफ अच्छी हो गई है, 99% स्टेंट में थ्रोम्बोसिस के रिस्क नहीं रहते, वो दवा लगे होते हैं, तो हम उनको बाईपास के जगह एंजियोप्लास्टी रिकमेंड कर सकते हैं अगर उनकी बीमारी उस तरह की हो तो। फिर कुछ तरह के पेसमेकर्स होते हैं जो लाइफ को आसान बनाते हैं, कुछ स्पेशल तरह के पेसमेकर्स होते हैं जो CRT, जैसे अगर पेशेंट की मांसपेशी बीमार वीक हो गई है हृदय की और उसकी सांस फूलती है, तो वो पेसमेकर लगाने से सांस फूलना कम हो सकता है, तो ये कुछ एक ऐसे तरीके हैं जो हम पहले नहीं थे और अब हम मेडिकल साइंस जो है वो तरक्की करता जा रहा है, तो बहुत जीवन हृदय रोगियों का आसान हो जाएगा।
बिल्कुल। चलिए अंत में डॉक्टर माधुरी, वर्ल्ड हार्ट डे के इस खास अवसर पर आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं पहले तो बधाई देना चाहूँगी हर वर्ल्ड हार्ट डे की, और मैं ये सबसे अपील करूँगी कि केवल इसी दिन नहीं, ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि हम अपने आप को और दूसरों को जागरूक कर सकें हृदय रोगियों के रोगी के हृदय संबंधी समस्याओं के लिए, पर केवल इसी दिन ना जागरूक हों, बाकी दिन भी ऐसा ही मनाएं जैसे कि आप विश्व हृदय दिवस के दिन फील करते हैं। हमेशा अपने हृदय के प्रति सजग रहें, आप चाहे कि वो आपकी डाइट हो, चाहे आप वर्जिश करें, व्यायाम करें, उसको आप उसकी तरफ ध्यान दें, अपना वजन कंट्रोल में रखें, एक्टिव रहें, मेंटल स्ट्रेस से दूर रहें, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि समय समय पर आके अपने डॉक्टर से अपनी जांच, शारीरिक जांच कराते रहें। और एक तीसरा और जो हम सामाजिक समाज के लिए कर सकते हैं वो CPR सीखें, ताकि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो आप उसके लिए कुछ कर सकें। बिल्कुल, चलिए डॉक्टर माधुरी, आपने यही बोलना चाहूँगी इस विश्व हृदय दिवस पर। कई सारी जानकारियाँ आज हमारे साथ साझा भी की हैं, और मैं समझती हूँ कि काफ़ी लाभ होगा उन सभी जानकारियों का हमारे दर्शकों को भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, तो आज डॉक्टर माधुरी नागौरी से वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर हमने दिल और दिल से जुड़ी बीमारियों के बारे में जानकारियां साझा की। निश्चित रूप से आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, जो आपको अपने दिल को सेहतमंद रखने में काफी मददगार साबित होंगे। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना नहीं, बने रहिए पंसल न्यूज के साथ।